देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। कश्मीर मसले पर रूस ने किया भारत का समर्थन, कहा भारत अपने संविधान के मुताबिक काम कर रहा है। कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष के नाम पर मंथन, मुकुल वासनिक के नाम पर बन सकती है सहमति। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग परेशान, कई बांधों के गेट खोले गए, नदियां उफान पर। भोपाल का बड़ा तालाब हुआ लबालब, भदभदा डैम के गेट खोले गए। और पुलिस की बदमिजाजी का वीडियो हुआ वायरल, महिला पुलिस ने दी छात्राओं को करियर खराब करने की धमकी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले पर रूस ने समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जम्मू और कश्मीर को दो भागों में विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के अनुसार ही लिया है। रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के मतभेदों को द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से हल किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किए गए बदलाव के बाद किसी तरह के तनाव को बढ़ावा नहीं देंगे। वहीं चीन ने भी भारत और पाकिस्तान से अपने विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। बता दें कि चीन की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चीन के परामर्श के लिए पहुंचने के बाद शुक्रवार को आई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने के मद्देनजर अगला कदम लेने के लिए चीन से राय लेने पहुंचे। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने व संयुक्त रूप से शांति एवं स्थिरता को कायम रखने का आवाहन करते हैं। भारत ने कहा कि अब पाकिस्तान को जम्मू एवं कश्मीर के सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान को चिंता है कि अब वह वहां कश्मीरी लोगों को गुमराह कर आतंक के लिए प्रेरित नहीं कर सकेगा। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से छूटेगी। पिछले ढाई महीने से कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। ऐसे में सभी कांग्रेसियों की निगाहें गांधी परिवार पर ही टिकी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि मुकुल वासनिक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुकुल वासनिक के अलावा भी आधा दर्जन नेताओं के नाम पर कांग्रेस नेता CWC में हर एंगल से चर्चा कर रहे हैं। बैठक में फैसला हुआ है कि पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए 5 समूह बनेंगे। राहुल गांधी चाहते हैं कि लगातार और बृहद चर्चा के बाद ही पार्टी के नेता नए अध्यक्ष का फैसला करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो रही है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की बात करें तो इस रेस में फिलहाल पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के नाम भी संभावितों में है। ये सभी नेता अनुसूचित जाति से हैं। युवा दावेदारों की बात करें तो इनमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 पर पार्टी लाइन की मुखालफत कर खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है। सीताराम केसरी को हटाए जाने के बाद मार्च 1998 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली थी और दिसंबर 2017 तक करीब 20 वर्षों तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही, जबकि राहुल गांधी का कार्यकाल महज 20 महीने का ही रहा है। पार्टी के हाशिए पर चले जाने के बाद भी गांधी परिवार के बाहर के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर नेताओं में सहजता नहीं दिख रही। राहुल गांधी चाहते हैं कि लगातार और बृहद चर्चा के बाद ही पार्टी के नेता नए अध्यक्ष का फैसला करें। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को कहा कि इस मसले पर और चर्चा कीजिए और सलाह मशवरा कीजिए। भारतीय क्रिकेटर और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी स्वतंत्रता दिवस पर लेह में तिरंगा फहराएंगे। धोनी इस समय सेना की 106 TA बटालियन के साथ कश्मीर में पोस्टेड हैं।
महेंद्र सिंह धोनी अपनी बटालियन के साथ शनिवार को लद्दाख जाएंगे। लद्दाख को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। धोनी 31 जुलाई को अपनी बटालियन के साथ जुड़े थे और वे 15 अगस्त तक उसके साथ रहने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस पर धोनी लेह में किस जगह पर ध्वज फहराएंगे, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि धोनी लेह में तिरंगा फहराएंगे। धोनी ने इंडियन आर्मी की सेवा करने के लिए क्रिकेट से करीब 2 महीने का ब्रेक लिया था। उन्होंने हाल ही में संपन्न वर्ल्ड कप में हिस्सा भी लिया था। धोनी इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे अपनी यूनिट के जवानों के साथ फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेल रहे हैं और वे उनका मनोबल बढ़ाने वाली गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वे इसके अलावा पेट्रोलिंग गार्ड और पोस्ट ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। देश में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के अनुसार बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंधाधुंध को दिया गया। वहीं बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को मिला है। आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना की यह दूसरी फिल्म बधाई हो को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार मिला है और उसी फिल्म में सुरेखा पारिक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। पद्मावत फिल्म के गाने घूमर को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया। वहीं इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। इसी फिल्म के गाने के लिए अर्जित सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अंशुमन खुराना और विक्की कौशल को दिया गया। वहीं कीर्ति सुरेश को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। अक्षय कुमार की पैडमैन को सामाजिक मुद्दों पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड केजीएफ को दिया गया है। फिल्म क्रिटिक का अवार्ड 2 लेखकों को दिया गया है, जिसमें हिंदी के लिए अनंत विजय को पुरस्कार मिला है। वहीं मलयालम लेखक ब्ले जॉनी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली राज्य का अवार्ड दिया गया है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड कसाब को दिया गया है। वहीं 4 एक्ट्रेस को स्पेशल मेंशन मिला है, जिसमें श्रुति हरिहरन, चंद्रचूड़ राय, जोजी जोसेफ और सावित्री शामिल है। देश में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन जल्द शुरू हो सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। ये ट्रेन कोलकाता हुगली नदी के नीचे चलेगी। ट्रेन मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण भी बताया है। मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शीघ्र ही कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलना आरम्भ होगी। पानी के नीचे भी दौड़ेगी रेल। मोदी सरकार ने किया अंडर वाटर ट्रेन का सपना साकार। भारत में पहली बार कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई अप और डाउन लाइन की 2 ट्रांसपोर्ट सुरंगें, जिसमें जल्द दौड़ेगी मेट्रो। ये मोदी सरकार के बुलंद हौसलों, विश्वास और देश की प्रगति के वादों का ही परिणाम है कि आज भारतीय रेल के अधीन पहली अंडर वाटर कोलकाता मेट्रो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान तक की यात्रा कराने को तकरीबन तैयार है। 2 फेज में बटी इस लाइन में फेज 1 को जल्द ही आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। कोलकाता वासियों के लिए ये एक बेहद राहत भरा कदम है। एक तरफ जहां उन्हें यातायात का सुरक्षित और सुगम माध्यम मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समय की भी बचत होगी। विशेषज्ञों की निगरानी में सर्वोत्कृष्ट तकनीक से बनी इस उच्च स्तरीय अंडर वाटर सुरंग को पानी के रिसाव से सुरक्षित रखने के लिए 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा कवच लगाए गए। यकीनन भारत की पहली अंडर वाटर कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे की तीव्र प्रगति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय रेल जमीन के ऊपर भी, पानी के नीचे भी। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश से पूरा प्रदेश पानी पानी हो गया है। पहली बार सरदार सरोवर बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं। मूसलाधार बारिश के चलते मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर तो मुख्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते रायसेन, देवास, सतवास में भी हालात खराब हो गए हैं। यहाँ कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भोपाल रायसेन हाईवे बंद हो गया है और बरेली के बारना नदी के पुल पर पानी होने से भोपाल जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। रायसेन का भोपाल से सड़क संपर्क टूट गया है। रायसेन मुख्यालय सहित जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश से
हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ रीछन नदी में उफान आ गया, जहाँ दरगाह रपटा चढ़ गया। वहीं भोपाल रायसेन बाईपास की एक पुलिया धसक जाने की वजह से पूरी तरह रायसेन का भोपाल से सड़क संपर्क टूटा हुआ है। इसके अलावा पग्नेश्वर गांव में बेतवा नदी के उफान आ जाने की वजह से रायसेन का विदिशा से भी सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं देवास में भी भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के अंचल के नदी नाले उफान पर है। एवी रोड के ग्राम टोकला में फोरलेन निर्माण कार्य के चलते पानी की निकासी नहीं होने से गाँव में जल भराव की स्थिति बनी। इधर शिप्रा नदी उफान पर आने से गुरुवार रात 1:15 बजे शिप्रा डैम के 2 गेट 3-3 मीटर तक खोले गए। जिले में अब तक औसतन 24 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में जिले में 3.32 इंच बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक 5 इंच बारिश सतवास में दर्ज की गई। इसके अलावा देवास में 2.40, टोखुर्द में 3.50, सोनकक्ष में 4.17, हट पिपलिया में 2, बागली में 3.34, उदयनगर में 2.12, कन्नौज में 3.34, खातेगांव में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल रायसेन बारिश के कारण हाईवे बंद हो गया है। बरेली के बारना नदी के पुल पर पानी होने से भोपाल जबलपुर मार्ग भी बंद है। जिले के नदी नाले उफान पर आ जाने से कई स्थानों के सड़क संपर्क टूट गए हैं। वहीं निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बड़वानी में भी मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। देर रात पहली बार सरदार सरोवर बांध के गेट खोले गए, इसके चलते नर्मदा का जल स्तर कम हुआ है। पहले जहां नर्मदा नदी का जल स्तर 131 मीटर तक पहुंच गया था, वहीं बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जल स्तर घटकर 130.700 मीटर हो गया है। जानकारी के मुताबिक सरदार सरोवर बांध से 6,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आगर जिले में 24 घंटे में 4.5 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उज्जैन और बुरहानपुर में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट पूरा डूब चुका है। ताप्ती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा सेंधवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में सेंधवा में 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक पूरे सीजन में कुल 745 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पूरे साल में यहां औसतन 811 मिलीमीटर बारिश होती है। ऐसे में अभी ही औसत बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है। वहीं भारी बारिश के चलते इंदौर का यशवंत सागर डैम भी भर गया है। इसके बाद आज सुबह उसके गेट खोले गए हैं। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे। इधर महाकौशल में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के चलते नर्मदा के अलावा बालाघाट में बैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आगे हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बालाघाट जिले में पिछले 24 घंटे में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले 48 घंटों में 99 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले की बैनगंगा, बाग, बंजर, देव, जमुनिया, टांडा नदी समेत बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई मार्ग बाधित हो गए हैं। नदियों के किनारे बसे 135 गांव खतरे के निशान पर हैं। अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य के मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर इंदौर में अति वर्षा होने की संभावना जताई है। सुबह 4 बजे यशवंत सागर का जलस्तर बढ़ने से उसके 3 गेट खोल दिए गए। 19 फीट का लेवल बनाए रखने के लिए ये गेट खुले रहेंगे। लगातार बारिश की वजह से तालाब में पानी आने का सिलसिला जारी है। जबलपुर में भी बारिश का क्रम जारी है। इस सीजन में अब तक बारिश का आंकड़ा 26 इंच पहुंच चुका है। तेज बारिश ही शहर को आफत में डाल दिया है। दर्जनों कॉलोनियों, रहवासी क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्मदा व सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान जबलपुर समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लेकर बंगाल की खाड़ी से उपजे कम दबाव की वजह से यह बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन जी, मध्य प्रदेश का आपने ऐसा वक्त बदला कि आपकी पुलिस लड़कियों को FIR करने और करियर बर्बाद करने की धमकी देती है। हो सकता है इस पुलिस ने कई लोगों का पहले करियर बर्बाद भी किया हो। सरकार बदलने के बाद उम्मीद तो यह थी कि पुलिस की कार्य प्रणाली में कुछ सुधार आएगा, लेकिन ये क्या, यहाँ तो पुलिस का बर्ताव गुंडों जैसा नजर आ रहा है। आंख खोलकर देख लें इस खबर को, ताकि सनद रहे आपके राज्य में ये हो क्या रहा है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, इस खबर को देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि आपकी पुलिस कैसे काम करती है। जिस पुलिस का नारा देशभक्ति और जनसेवा है, वो कैसे जनसेवा कर रही है, ये आप देख ले।
आपके प्रदेश की बेटियों का पुलिस क्या हाल करती होगी, ये उसकी एक बानगी भर है। इस खबर का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही लड़कियों को न्याय दिलवाने के बजाय पुलिस की एक महिला अफसर बदतमीजी करती नजर आई। उनका बर्ताव असहनीय था। यहां पुलिस बात सुनने या समझाइश देने के बजाय गुंडागर्दी करती नजर आई। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आपकी ये बदमिजाज पुलिस धमकी देती है कि पूरा करियर चौपट हो जाएगा एक FIR में। आपकी पुलिस जागरूक लड़कियों से वीडियो बनाने को मना करती है, कहती है पूरी पढ़ाई यही रह जाएगी एक FIR में, और फिर पुलिस की महिला अफसर चांटा मारने दौड़ती हैं, दूसरी महिला अफसर भी लड़कियों को मारने दौड़ती हैं। बाला बच्चन जी, सभ्य समाज की, सभ्य पुलिस की करतूत आप भी देख लीजिए। गाड़ी निकलने के लिए हम लोग हटा देंगे ना, यही बोल रहे हैं, हटा पहले, मुझे ध्यान देने से पहले हटा लो, फोटोग्राफ वीडियोग्राफ लेके किनारे आओ, ये लड़के किनारे पे हटो यार, ओए पीछे ओए हटो यार, पूरा करियर यही चौपट हो गया एक FIR में, समझ ले रहा, पूरी घड़ी की घड़ी रह गई नौकरी और डिग्री। चलो पीछे उठ जाओ, पूरी पढ़ाई यही रहता है कि एक FIR करो, एक चाटा मारूंगी ना मैं, सुनो अगर मुझे यह मामला सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय प्रबंधन हॉस्टल के छोटे छोटे कमरों में दो दो लड़कियों को रखना चाहता है और छात्राएं इसका विरोध कर रही हैं। छात्राओं ने जब अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सड़क पर धरना दिया तो अचानक पुलिस आ धमकी। उसके बाद जो हुआ वो आपने देख ही लिया। आपके ये पुलिस गुंडे बदमाशों पर तो कभी इस तरह हावी नहीं होते, लेकिन आम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव कर आपकी सरकार की बदनामी जरूर करवाती है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, ये बेटियां और सभ्य समाज आपको चुनौती देता है कि आप में दम है तो सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाली पुलिस अफसर को सबक सिखाएं, ताकि आम लोगों में यह संदेश जाए कि कांग्रेस सरकार आम लोगों के लिए है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल की प्यास बुझाने वाला बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल तक आ गया है। इसे देखते हुए ही आज सुबह भदभदा डैम के गेट खोले गए। इस नजारे को देखने के लिए भोपाल के महापौर आलोक शर्मा के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी सुबह सुबह ही डैम पर पहुंच गए थे। डैम के गेट खोलने से पहले लोगों को सतर्क करने के इरादे से सायरन बजाए गए। इसके बाद डैम के दो गेट खोल दिए गए। पिछले 3-4 दिनों से भोपाल में बारिश हो रही है, इसके चलते बड़े तालाब का जलस्तर तेजी से बढ़ा और शुक्रवार देर रात ये
66,666.800 फिट फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद ही नगर निगम ने शनिवार सुबह भदभदा डैम के गेट खोलने का फैसला किया। इस वर्ष राजधानी में मानसून अभी तक काफी मेहरबान रहा है। सीजन के जून जुलाई और अगस्त में अभी सिर्फ 33 दिन ही पानी गिरा, लेकिन इनमें से 5 दिन में हुई झमाझम बरसात ने राजधानी में पानी की कमी को पूरा कर दिया, जिसके चलते शुक्रवार को बड़ा तालाब लबालब हो गया, जिसके बाद आज भदभदा के गेट खोले गए। इसके बाद पानी का ऐसा फव्वारा फूटा कि लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भदभदा के गेट खुलने का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इधर केरवा डैम को फुल होने पर अब 0.8 मीटर पानी की जरूरत है। केरवा का जलस्तर 509 मीटर दर्ज किया गया है। गुरुवार को 508.13 मीटर था। इसका फुल टैंक लेवल 509.93 मीटर है। कोलार डैम के जलस्तर में शुक्रवार को करीब 2.5 मीटर का इजाफा हुआ है। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के नदी नालों ने प्रचंड रूप ले लिया है। नदी नालों के आसपास प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बरगी डैम के गेट खोलकर डैम का जल स्तर कम किया जा रहा है, जिससे नदी नालों का जल स्तर और बढ़ेगा। किसी भी हानि से बचने के लिए प्रशासन ने निचले क्षेत्र के रहवासियों से सतर्क रहने और नर्मदा तट से दूर रहने की अपील की है। बारिश अब आफत बन गई है। जबलपुर स्थित बरगी बांध लबालब होने से बरगी बांध का जलस्तर 420.50 मीटर तक पहुंच गया है। डैम के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 15 गेट खोले गए। औसतन 1.46 मीटर तक बांध के गेट को खोला गया। एहतियातन बांध प्रशासन ने नर्मदा के डाउन स्ट्रीम वाले सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। बरगी बांध प्रशासन ने निचले क्षेत्र के रहवासियों से सतर्क रहने तथा नर्मदा नदी के तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। वीडियो बनवाने के लिए एक युवक उफनती नदी पर उतर गया। कुछ दूरी तक तो यह तैरता रहा, उसके बाद बहाव में आकर डूबने लगा। बामुश्किल नदी के पुल पर खड़े लोगों ने युवक को बचाया। ये मामला नीमच के मनासा का है। आजकल टिकटॉक वीडियो बनाने का लोगों को ऐसा चस्का लगा है कि वो अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा से सामने आया है। यहाँ एक युवक टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में उफनती बरसाती नदी में कूद गया। कुछ दूर तैरने के बाद वो जैसे ही पुलिया के पास पहुंचा तो नदी के तेज बहाव में फंस गया। नदी का बहाव तेज होने के चलते युवक पुलिया के नीचे से बहने लगा। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और युवक धीरे धीरे डूबने लगा था। सिर्फ आंख और नाक ही बाहर दिखाई दे रहे थे। पहले तो साथ खड़े बच्चे इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को लगा कि युवक वाकई में डूब रहा है तो वो घबरा गए। आनन फानन में कुछ बच्चों ने युवक को हाथ पकड़ा, मगर बहाव तेज होने के चलते वो बहने लगा तो बच्चों ने गांव वालों को बुलाया। काफी मशक्कत करने के बाद युवक को पुलिया के नीचे से निकाला जा सका। भोपाल में अधूरी पड़ी सड़कों और गड्ढों को नेताओं का नाम देकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कई दिनों से ना तो सड़कों का निर्माण हो रहा है, ना ही सड़कों के गड्ढों की मरम्मत की जा रही। बारिश में जलमग्न सड़कों से परेशान होकर युवक कांग्रेस ने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और अपने इलाके की सड़क और गड्ढों का नामकरण बीजेपी नेताओं के नाम पर किया। युवक कांग्रेस के नेता यह भूल गए कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और वो इन कामों को अपनी सरकार से कहकर आसानी से पूरा करवा सकते हैं। भोपाल में गांधीनगर के नई बस्ती में युवक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मंडलोई के नेतृत्व में अधूरे पड़े मार्ग का नाम बीजेपी के नेताओं पर रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस ने नई बस्ती के अधूरे मार्ग का नाम रामेश्वर शर्मा कीचड़ मार्ग एवं अनेक गड्ढों के नाम सांसद प्रज्ञा ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर रखा और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राहुल का कहना है कि कई दिनों से ना तो अधूरी पड़ी सड़क का कार्य पूरा किया जा रहा है और ना ही गड्ढों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बरसात में रहवासी गड्ढों में पानी भरने से परेशान हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। NSUI अध्यक्ष मेवाल ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह कीचड़ पार्षद, विधायक और महापौर के निवास पर ले जाकर डाला जाएगा। KK स्पन कंपनी की गलती के चलते प्रवेश द्वार गिरने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई।
इसमें प्रशासन और कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह दूसरा मौका है जब काम कर रहे किसी मजदूर की मौत हुई है। इस कंपनी से परेशान होकर लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन राजनीतिक पकड़ होने के कारण कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रीवा में विभीषण नगर स्थित केके स्पन कंपनी की बड़ी लापरवाही के कारण मजदूर की तोरण गेट गिरने से मलबे में दबकर मौत हो गई। अब लोग कंपनी को यमराज का भेजा हुआ दूध कहने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर प्रेमलाल कंपनी के कार्य के दौरान गेट गिरने से उसके मलबे में दब गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमलाल को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। केके स्पन कंपनी के खड़े थे, यह लेबर भी था, जीवित अवस्था की फोटो हमारे पास है रोड का उसमें, और हम चले गए घर जैसे ही, तो 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि लेबर दब के और उसका मतलब दबा हुआ है गेट के नीचे, गेट गिर गया है। जब आके देखते हैं तो यहाँ पे दिखा फ्यूरी वाले ने अपनी उसकी लापरवाही से, ये ड्राइवर की गलती से सर, ये फ्यूरी की लापरवाही से ड्राइवर के, वो ऊपर करके अपना हापड़ चल रहा था, उसे गेट फंस गया और वह साइड बता रहा था लेबर, और वह दब गया उसके नीचे, जिससे शिवराज सरकार में कंपनी को रीवा में कार्य मिला। कंपनी की लापरवाही की यह दूसरी घटना है जब कंपनी की लापरवाही के कारण किसी मजदूर की जान गई है। अब कंपनी के सामने कमलनाथ सरकार और प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। कंपनी के ऊपर कार्रवाई मात्र खाना पूर्ति के लिए की जाती है। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, पर सवाल अब भी यही है कि कब तक ऐसी कंपनियां मजदूरों की जान लेती रहेंगी। केके स्पन कंपनी सीवरेज लाइन का कार्य कर रही थी, तो बीच सड़क पे खोद के पाइपलाइन डाल के और उसको वो पाट रहे थे, तो जो मिक्सर मशीन होती है उससे मसाला मिक्स करके और फिर उसको पाटते हुए चले आ रहे थे। बगल में लेबर काम कर रही थी, तो उसको उठाते टाइम वो जो आगे का ऊपरी भाग होता मशीन का, वो वहाँ पे एक गेट बना हुआ था पंडित विभीषण नगर गेट करके, तो उसके ऊपरी भाग से टकरा गई, तो पूरा गेट मशीन के ऊपर गिरा और पिलर बगल में खड़े हुए एक ये प्रेमलाल साकेत है इसके ऊपर गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत आनन फानन में इसको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छतरपुर के ईशा नगर में रेल ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर उसके शव को रेल की पटरियों पर फेंका गया, ताकि पूरा मामला आत्महत्या जैसा लगे। ईशा नगर में रेलवे ट्रैक पर मिले शव को जब खुदकुशी का मामला बताया गया, तो मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि मृतक मोनू राजा के गांव में तीन लोगों ने हत्या कर उसका शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इनका यह भी आरोप है कि मृतक के पिता की भी हत्या हुई थी, वे अपने पिता की मौत की लड़ाई लड़ रहा था, इसी वजह से मोनू की भी हत्या की गई है। न्याय की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं जाम खुल पाया। इंदौर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने मिलकर बदमाशों के अवैध मकान और दुकानें तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले दिन बच्चों को अमानवीय प्रताड़ना देने वाले बदमाश शेख मुख्तियार के दो निर्माणाधीन मकान और तीन दुकानें ध्वस्त की गईं। बदमाश मुख्तियार के अवैध निर्माण वार्ड 37 के राधिका कुंज और स्वर्णवाग कॉलोनी में थे। वहां खाली जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण और स्थायी टीन शेड डालकर अतिक्रमण किया गया था। गुंडे की आंखों के सामने ही उसके आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। उस वक्त गुंडे का चेहरा देखने लायक था, जो पहले लोगों को अपना खौफ दिखाता था, कार्रवाई के बाद उसकी आंखों में ही खौफ नजर आ रहा था। कार्रवाई के वक्त इंदौर की SSP रुचि वर्धन मिश्रा खुद मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस ने बच्चों के अपहरण, मारपीट, कमोड में मुंह डालने और झूठी गवाही देने के जुर्म में गुंडे मुख्तियार को गिरफ्तार किया गया था। MIG थाना पुलिस ने बुधवार रात गुंडे मुख्तियार, उसके भाई मुस्कीम और इरफान के खिलाफ 17 साल के किशोर की शिकायत पर केस दर्ज किया था। मामला 12 जुलाई का है। इन बदमाशों ने बच्चे को पीटा और हत्या की धमकी दी थी। इधर विजयनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को भरत जैन की शिकायत पर मुख्तियार व अन्य पर केस दर्ज किया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जजर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा फटने वाला है, बम बम, यो वहाँ पूरी मिलिट्री पहुँच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ ये सब बड़ा धमाका, जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया।
और मैं बता रहा हूँ इसमें कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपर्क नहीं बैठ रही, क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें, इसका क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा, और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, मुनमुनाया जा रहा है, बिलबिलाए जा रहे हैं, अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम चंद्रयान पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भैया तुम्हारे भागे पड़ रहे हैं, पेट के जनता का इंतजाम करो, भूखो मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ बता रहा हूँ, आजकल एक मोदी जी का फोटो चल रहा है, वो उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले, हाँ वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, छाया हुआ है, बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ ये आदमी देखो पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ ये काम कहलाते हैं, बता रहे हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं, वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं Dakhal News. Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se Sanskritik taane baane tak चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.